शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने की प्रेस वार्ता। सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, कृष्णपाल गुर्जर व सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद किया व उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान अपने 30 साल के सफर के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पत्रकारों को भी जानकारी दी। वहीं कहा कि आगे भी कार्यरत रहकर बड़कल, फरीदाबाद, पलवल क्षेत्र का विकास करेंगी। पत्रकारिता से जुड़े हुए सभी साथी हैं, सभी को आदर के साथ मेरी राम राम। सबसे पहले मैं आप सबका विशेष धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूं, क्योंकि अब इस वक्त बहुत जोरों का सरगर्मी का टाइम है आप लोगों के लिए, क्योंकि चुनाव चल रहा है, बड़ी तेज रफ्तार पकड़ रहा है और आपने उसमें मेरे वास्ते समय निकाला, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैंने आज आप सबको यहाँ बुलाने का मेरा सिर्फ 3 मकसद थे। पहला मकसद तो ये है कि मैं आपके माध्यम से अपनी पूरी क्षेत्र, पूरा जो क्षेत्र है हमारा, जिसमें मैं बड़कल मानती हूँ और उसमें मैं जिला फरीदाबाद साथ लेती हूँ और इसके साथ साथ जिला पलवल को भी मैं साथ लेती हूँ। इसलिए साथ लेती हूँ क्योंकि पलवल से जो कैंप का इलाका है और खासतौर से जो बैसला आता है, इस पूरे पलवल ने और जिला फरीदाबाद ने और बड़कल के तमाम लोगों ने 20 साल के मेरे इस सफरनामे में मेरे हर दुख सुख में साथ खड़े रहे, मेरे को यहां तक पहुंचाने में उन सब की पसीने की एक एक बूंद लगी हुई है और उनके परिवारों का, जो बच्चों का समय था, जो परिवार का समय था, उन लोगों ने मेरे पर निछावर किया। मैं आज उन सबको नतमस्तक होके मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुंची। इसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय हमारे नड्डा जी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, इसके साथ आदरणीय श्री अमित शाह जी, फिर आदरणीय मोहन बडोली जी, आदरणीय श्री नायक सिंह सैनी जी, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, आदरणीय हमारे जो प्रभारी बने सतीश पुनिया जी, आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय श्री विप्लव देव जी, आदरणीय श्री सुरेंद्र नागर जी, और मैं इसके साथ साथ अपने बड़े भाई जो कि मेरे हर काम में हमेशा सहयोगी रहे हैं, आदरणीय कृष्ण पाल जी, इन सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि इस 20 साल के सफरनामे में उन सबका भी कहीं ना कहीं मेरे साथ सहयोग रहा है और पार्टी ने मेरे को बहुत बार संगठन के नाते भी और सरकार के नाते भी अलग अलग दायित्व दे करके मेरे को सेवा का मौका दिया। मेरे को इसी संगठन में बतौर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष के काम करने का भी मौका मिला। इसी संगठन में मुझे भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम मेन बीजेपी कहते हैं, जिले की महामंत्री भी रही मैं, और इसी पार्टी में मैं, भारतीय जनता पार्टी ने ही मुझे प्रदेश में वाइस प्रेसिडेंट महिला मोर्चा का भी ओहदा दिया। तो अलग अलग माध्यम मेरे को मिले जो संगठन की सेवा के, और इसी तरीके से सरकार ने मुझे पार्टी की वजह से 3 बार मुझे मौका मिला विधानसभा लड़ने का, जिसमें 14 वाले सफर में मुझे 2.5 साल माननीय मनोहर लाल जी की वजह से मेरे को CPS बनने का मौका मिला और मैंने प्रयास किया, अपना पूरा 100% देने की कोशिश करी। और अभी मनोहर लाल जी Part 2 में, जिसमें अंतिम 6 महीनों के लिए आदरणीय श्री नायक सिंह सैनी जी आए, तो मेरे को उसमें भी शिक्षा का एक डिपार्टमेंट दिया गया और वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक शिक्षक का सफर एक शिक्षा के मंत्रालय तक पहुंचा। और जो पार्टी ने मुझे दायित्व दिए बतौर सरकार या बतौर संगठन, मैंने अपना 100% देने की कोशिश करी। आज मैं आपके बीच में एक बड़ा धन्यवाद
दो लोगों का मैंने किया, संगठन का, शीर्ष नेतृत्व का, और अपनी फरीदाबाद, भटकल और पलवल की जनता का भी। एक बड़ा धन्यवाद मैं आप सबको, जितने मेरे भाई यहाँ उपस्थित हैं, बहनें उपस्थित हैं, मैं आप सबका इसलिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस शहर की मैं इकलौती बंदी हूँ जिसने 20 साल में एक एड किसी को भी नहीं दी। इसके लिए मैं आप सबको सैल्यूट करती हूँ कि आपने मेरे को इतना इतना प्रोत्साहित किया। अभी मैं आपको साथ में साझा करना चाहती हूँ कि देखिए, एक 10 साल के सफरनामे का रिपोर्ट कार्ड आपके माध्यम से जनता तक भी जाना चाहिए। मुझे भटकल जिन हालात में मिली सब जानते हैं, लेकिन मैं एक छोटे छोटे बिंदुओं में बोलना चाहती हूँ। मैंने लगभग इस विधानसभा में 500 से ज्यादा, क्योंकि हम पानी की पूर्ति के लिए तड़पते रहे हैं, 500 से ज्यादा ट्यूबवेल हमारे जो हैं, इन इतने सालों में, 10 सालों में हमने प्रयास किया, हमने बूस्टर्स बनवाए। बूस्टर अगर हम बोले तो 48 सेक्टर का, फिर हमने लकड़पुर में बनवाया, फिर हमने 21 का और सैनिक कॉलोनी का प्रॉपर, उसको हमने पानी वगैरह सब प्रयास करके उसे पूरा करने की कोशिश करी। भटकल विधानसभा इकलौती विधानसभा है जिसमें 4 बिजली के सब स्टेशन बने इस 10 साल के कार्यकाल में, जिसका उद्घाटन आदरणीय श्री मनोहर लाल जी कर, और अभी एक सब स्टेशन का उद्घाटन आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने किया। एक हमने सब स्टेशन बनवाया सेक्टर 46 में, एक 21 बी में, एक सूरज कुंड में बन रहा है और एक ग्रीन फील्ड में। सबसे बड़ी आजादी दिलवाने का काम हमने किया। देश 1947 में आजाद हुआ था, पर हमारी सैनिक कॉलोनी, क्योंकि मैं 2009 से वहां पे वोट मांगने के लिए जाती थी और मेरे को लोग कहते थे कि आप इसे नगर निगम में ले आए, तो उन्हीं की मांग पर, मैं तो बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन मैं आदरणीय मनोहर लाल जी की बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने मेरी एक एक बात, पटेल भवन, एसजीएम नगर का पटेल भवन भी विशेष उपलब्धि में गिना जाएगा। इसके साथ साथ जब आप उस दर्द के इलाके में जाएंगे ना, शिव दुर्गा विहार और लकड़पुर में, तब आप ही की अखबारों में छपता है कि महीने में 10 दिन लोग कट करके गिर जाते हैं। 10 दिन में अगर एक महीने में अगर 10 लोग रेलवे ट्रैक में कट करके मर जाते हैं, तो वो 10 परिवारों का दर्द आप ही छापते हैं। उन 10 परिवारों के दर्द को देखते हुए वहां पर एक हमने फुट ओवर ब्रिज, उसके साथ साथ जो हमारा फुट ओवर ब्रिज का काम भी प्रोग्रेस में है, और बुजुर्गों और फिजिकली चैलेंज लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने दोनों तरफ लिफ्ट भी लगवाने का काम किया। इसके साथ साथ जो हमारा गुरुकुल है, गुरुकुल में भी एक हमारा फ्लाईओवर बन रहा है। मैं आपको बाकी की सारी जितनी चीजें हैं ये मैं आपको लिखित में देने वाली हूँ। एक लास्ट पॉइंट जरूर बोलूंगी क्योंकि वो मेरे बड़े दिल को छूता हुआ पॉइंट है। मैंने एसजीएम नगर में हमारे पास सरकारी स्कूल मात्र 250 गज का था, और मैंने उस स्कूल के लिए, जो मैं आप बताने जा रही हूँ, मेरे को 3 साल का प्रयास करना पड़ा, और उस प्रयास का नतीजा ये निकला कि हम सेक्टर 48 में हमने 2 एकड़ जमीन सरकारी स्कूल के लिए ली है, जिसका जल्दी संस्कृति मॉडल स्कूल का वहां निर्माण किया जाएगा, और उसका नाम भी हमने शहीद जोरावर सिंह मॉडल स्कूल नाम से वो स्कूल का निर्माण होगा, जो कि 12वीं तक बनेगा। ये सारी चीजें, होमवर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये जनता तक मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से पहुंचे। और इसके अलावा मैं खुद से आप सबका, अपने सभी लोगों का, जहां तक मेरी आवाज आपके माध्यम से जाएगी, उन सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। और रोज अभी मैं बैठ रही थी तो मुझे कहा जा रहा था कि आज लग रहा है टीचर बैठने वाली है, सिंगल चेयर है, तो आज ये सिंगल चेयर भी इसलिए है कि हमेशा बैठती है तो भाजपा की विधायक बैठती है और संगठन के साथ बैठती है, आज आपके साथ बैठी है तो वो स्वर्गीय श्री द्वारकानाथ मल्होत्रा की पोती, स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र मल्होत्रा की बेटी,
स्वर्गीय श्री वीपी त्रिखा जी जो रेलवे से रिटायर हुए, उनकी बहू और एडवोकेट अश्विनी त्रिखा जी की धर्मपत्नी, और इसके साथ साथ अपनी बेटी दिशा एडवोकेट की मां और भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत कार्यकर्ता आज आपके बीच में सीमा त्रिखा उपस्थित है। आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरी ये बात लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। जो आपने मुझे 20 साल इतना समर्थन दिया उसके लिए भी मैं दोनों हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। धन्यवाद। आप समर्थन करेंगे क्या बीजेपी कैंडिडेट का? मेरा पहला प्रश्न है, आपने सरकार सरकार नहीं बजा रहे, बहुत बढ़िया काम किए और आपने अभी जिन जिन लोगों के अधिकारियों के धन्यवाद किया, फिर भी आप अपनी कसौटी पर खड़ी नहीं उतरी, आपकी टिकट क्यों कटी? मैं इसका जवाब ये देती हूँ, टिकट तो कटती तब है जब हाथ में आ जाए और कोई उड़ा के ले जाए। टिकट तो मैंने 2019 में जब मिली थी तभी पूरी कर दी थी। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो जो फैसला लेता है उसमें कोई बहुत बड़ा बात होती है, मैं समझती हूँ। वो जिसको भी जिम्मेवारी देता है ये पार्टी का फैसला होता है और भारतीय जनता पार्टी में एक संस्कार और एक व्यवस्था है, मैं उस व्यवस्था को शिरोधार्य करती हूँ और मैं पार्टी का जो फैसला है, मैं भारतीय जनता पार्टी की सिपाही नहीं सैनिक हूँ। सैनिक वॉरियर होते हैं जो सरहद पे खड़े होते हैं, मैं सैनिक हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी जहां मेरी अभी ड्यूटी भी लगाएगी मैं उस जगह जाकर के काम करूंगा।